मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि रामनवमी के खास मौके पर पश्चिम बंगाल में पहली बार सरकारी छुट्टी रहने वाली है। मार्च के पहले हफ्ते में ममता बनर्जी की सरकार ने अधिसूचना जारी कर रामनवमी के खास मौके पर यानी 17 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में छुट्टियों की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, काली पूजा और सरस्वती पूजा बड़े त्यौहार के तौर पर मनाए जाते हैं। कई दूसरे त्योहारों पर सार्वजनिक छुट्टी होती थी, लेकिन रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में छुट्टी नहीं होती थी। पहली बार ऐसा मौका है जब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने छुट्टी की है, और पश्चिम बंगाल में खासतौर से रामनवमी के मौके पर कई घटनाएं होती रही हैं, जग जाहिर है। लेकिन अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद सतर्क हो गई हैं, चूंकि चुनावी माहौल है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव लड़ा और उसके बाद लोकसभा चुनाव लड़ने की कोशिश कर रही है, इसीलिए सतर्कता बरतते हुए ध्यान में रखते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार ने और तमाम ऑफिसर्स ने वहां पर ध्यान रखा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बार रामनवमी पर छुट्टी की घोषणा पहले ही कर दी और बिहार में रैली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल पहुंचे, और बंगाल में पहुंचते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि किस तरीके से रामनवमी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन पर निशाना साधा, आप खुद नरेंद्र मोदी की जुबानी सुनिए। मुझे पता है टीएमसी ने हमेशा की तरह यहां रामनवमी उत्सव को रोकने की पूरी कोशिश की, सारे षड्यंत्र किए, लेकिन जीत सत्य की ही होती है।